अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फलाफल। तो देखिए फलाफल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम बताएंगे। तो ये हमारे पास छोले हैं, ये छोलों से ही फलाफल बनता है। तो ये हमारे पास एक बाउल भरकर छोले हैं, और ये हरी मिर्च है, हम ये 2-3 हरी मिर्च डालेंगे इसमें। आप इसमें हरी मिर्ची नहीं भी डालें तो चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। और ये हरा धनिया है, इसमें हरा धनिया ज़्यादा जाता है तो हमने ये ज़्यादा ही लिए हरा धनिया, ये आधी गड्डी हरा धनिया है। और ये ज़ीरा है, ये भुना कुटा ज़ीरा है। तो सब में पहले हम एक जार लेकर इसे पीस लेंगे। देखिए अभी हम जार भी डाल देंगे, सारे छोलों को डाल देंगे हम, ये थोड़े थोड़े कर कर पीसेंगे। और इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही रखना है। और ये देखिए मैं इसमें 2 हरी मिर्च डालूंगी, और ये लहसुन है, लहसुन की कलियाँ डालना होती है। तो मैं ये दोनों में आधे आधे सब चीज़ें डालकर पीस लूँगी, और ये आधा हरा धनिया डालूँगी, आधा बचा लूँगी। देखिए हमने इसे पीस लिए, और इसे देखिए इतना दरदरा रखना है, इसे ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। ये दरदरा रखे तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। और देखिए इसमें से लहसुन की, कोतमीर, हरी मिर्ची की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसी तरह हम ये सारा पीस लेंगे। देखिए हमने ये छोलों को अच्छे से पीस लिए, और ये देखिए हमने ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, इसे दरदरा ही रखें। और इसमें हम ये जो भुना कुटा ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, हम इसे डाल देंगे। और इसमें हम नमक भी डाल देंगे, ये देखिए नमक डालेंगे हम, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और इसे हम अच्छा मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छा मिक्स करें। आप चाहे तो जब पीसते हैं छोलों को तो जब भी नमक और ज़ीरा डालकर पीस सकते हैं, लेकिन ये पिसा हुआ था तो मैंने बाद में डाली। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ज़ीरा और नमक। अब हम इसे एक साइड में रखेंगे, और अब हम एक कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म कर लेंगे, और अब हम ये तेल को गर्म होने देंगे। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अभी हम फलाफल बना लेंगे। इसके हमें छोटे छोटे बाउल बनाना है। आप चाहे तो इसे कोई भी अपनी पसंद से शक्ल दे सकते हैं, मैं इसे गोल बनाऊंगी। और अगर ये पतला होता है तो आप इसमें बेसन या मैदा भी मिला सकते हैं। देखिए हमने सारे ये फलाफल के बाउल डाल दिए, अब इसे हम गोल्डन होने देंगे। और देखिए जब ये अच्छे गोल्डन हो जाते हैं तो ये खुद ही साइड उसकी चेंज हो जाती है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती इसे चेंज करने की साइड को। तो देखिए ये खुद ब खुद ऐसे हल्के हो जाते हैं तो खुद ही चेंज हो जाती है इसकी साइड। देखिए बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसे तेल से बाहर निकालेंगे। देखिए सारे फलाफल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए फलाफल बनकर रेडी हो चुका है। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।